guys, in this video main share karne wali hu my updated everyday makeup routine using eyeshadows. So yeah, let's get started and please don't forget to subscribe to my channel. बायो ऑयल एंड निविया सॉफ्ट, ये जो दो कॉम्बो है वो मैं यूज करती हूँ जस्ट टू मॉइस्चराइज माय फेस. सो आई ऑलरेडी हैव डन मॉइस्चराइजिंग माय फेस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइमर. तो क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है तो मैं अपने फेस पे दो प्राइमर यूज करती हूँ. सो मेकअप ऑल डे अच्छे से सेट रहे मेरे फेस पे, उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये लॉरियल बेस मचीक सूदिंग स्मूदिंग प्राइमर. क्योंकि इससे क्या होता है, मेकअप बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है, जो पोर्स है वो अच्छे से कवरअप हो जाता है इस प्राइमर से. तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप यू नो ऑल डे लॉन्ग स्टे रहे आपके फेस पे अच्छे से. बट उसके साथ मैं थोड़ा सा ड्यूमिनेस चाहती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मेरा जो स्किन है वो ड्राई है. सो फॉर दैट मैं यूज करती हूँ ये वेट एंड वाइल्ड ड्यूई ल्यूमिनेक्स फेस प्राइमर, फोटो फोकस्ड फेस प्राइमर. सो इसको मैं क्या करती हूँ, अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं कोई हाईलाइटर डे टाइम में यूज नहीं करती हूँ. सो उसके लिए ये वाला जो प्राइमर है बहुत अच्छे से काम करता है मेरे फेस पे. सो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे अप्लाई करती हूँ. सो फर्स्ट ये लॉरियल बेस मैजिक प्राइमर मैं अप्लाई करती हूँ अराउंड माय नोज एंड चिक्स. मेनली मेरे यहाँ पे ज्यादा पोर्स होते हैं तो उसके लिए फेस को थोड़ा सा यू नो बेस को स्मूथ बनाने के लिए. उसके बाद ये वाला जो प्राइमर है जहां जहां हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहां पे तो फॉर माय फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ ये नेल्फ 24 आवर्स स्टे हाई डेफिनेशन एचडी फाउंडेशन. इसका जो शेड है ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन कलर से, तो मैं क्या करती हूँ इसके साथ ये वाला जो सुगर गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस एसपीएफ 30 प्लस बीबी क्रीम है ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है. तो थोड़ा सा मैं इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ. और जो फाउंडेशन है लाइक ऑल डे लॉन्ग बहुत ही अच्छे से स्टे करता है मेरे फेस पे. सो अपने फेस पे फिंगर की हेल्प से पहले पूरे फेस पे लगा लेती हूँ मैं. नाउ मैं इसको अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी. सो अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर. आईब्रोज फिल हो गए हैं, नाउ ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा ज्यादा कवरेज चाहिए होता है अपने आईलिड पे एंड यू नो under my eyes just to hide that bad dark circles. So मैं use कर रही हूँ, this one is the
Maybelline Fit Me Concealer. Obviously, बिल्कुल भी ज्यादा प्रोडक्ट में यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे एक मडी और ओवरली यू नो मेडअप मेकअप लुक नहीं चाहिए होता है. डिपेंड करता है, अगर मैं आई शेडो अप्लाई करती हूँ तब भी मैं अपने आईलिड के ऊपर यू नो कंसीलर यूज करती हूँ एज माई आई शेडो बेस. सो मैं आज ऑब्वियसली आई शेडो अप्लाई करूंगी. फॉर माई कंसीलर मैं ऑलवेज अपने फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ, मुझे ज्यादा पसंद है. कंसीलर को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो क्रीज होने लगता है. सो फॉर दैट मैं यूज कर रही हूँ ये है शुगर कॉस्मेटिक ऑल सेट टू गो ट्रांसलूसेंट पाउडर. ऐसे मैं अपने पूरे फेस पे पाउडर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और ये विंटर का टाइम चल रहा है. अगर मैं पाउडर यूज करती हूँ तो बेसिकली मेरा जो स्किन है वो और ज्यादा यू नो ड्राई हो जाता है. कंसीलर एंड फाउंडेशन है वो मेरे फेस पे अच्छे से सेट हो जाए उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये एक मेकअप फिक्सर अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ. तो मैं यूज कर रही हूँ ये वर्ल्ड वाइड फोटो फोकस नेचुरल मेकअप फिक्सर, तो मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लूंगी. तो बाकी का फेस मेकअप मैं बाद में करूंगी, पहले आई मेकअप कर लेते हैं. सो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे एक ही पैलेट यूज कर रही हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास है शुगर कॉस्मेटिक्स ब्लेंड द रोल आई शेडो पैलेट 01 वॉग. सो ये वाला जो पीच कलर का आई शेडो है इसको मैं अपने आईलिड के ऊपर क्रीज पे एंड एज माई ट्रांजिशन शेड मतलब ऑल ओवर माई आईलिड भी मैं इसको अप्लाई करूंगी वन शेड. तो सबसे पहले मैं क्रीज को डिफाइन करूंगी. ये जो आई मेकअप लुक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड न्यूट्रल लगता है और ओनली दो आई शेडो आपको जरूरत है इसके लिए. और यू नो आई जस्ट लव दिस आई शेडो मेकअप लुक. सो मुझे ये जरूर शेयर करना ही करना था क्योंकि जो आउटकम है इस लुक का मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली द आईज. क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए अपने आईलिड के ऊपर, सो मैं इसको ऑल ओवर माय आईलिड अप्लाई कर रही हूं. क्योंकि मैट फिनिश आई शेडोज है तो बहुत ही सॉफ्ट लुक आता है. लग रहा होगा ये मेकअप करने में ज्यादा टाइम लगता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा के बता के कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे ये करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. आईशैडो कलर लूंगी यहाँ पे, ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर है, आप कोई भी ब्राउन आईशैडो यूज कर सकते हो. इस शेड को मैं अपनी अपर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू डिफाइन माय अपर लैश लाइन. जस्ट मैं स्मज कर रही हूँ कलर को अच्छे से. तो कलर को थोड़ा सा स्मज करना है. सो सेम कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूं जस्ट टू डिफाइन माय लोअर लैश लाइन अ लिटिल बिट. नाउ आपको ऑल द वे इनर कॉर्नर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, इनर कॉर्नर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है. आपको ओनली यू नो आउटर थर्ड एरिया पे अपने अपर लैश लाइन या लोअर लैश लाइन पे इसको अप्लाई करना है.
क्योंकि इनर कॉर्नर पे अगर आप आई शेडो अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका आई शेडो जो है दिन भर में थोड़ा सा स्मच होने लगे, तो इसके लिए आउटर कॉर्नर पे लगाए, इनर कॉर्नर को बिल्कुल भी टच ना करें। आईलैशेस को कर्ल करना है, मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिनिश ऑफ दिस आई मेकअप लुक, मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर व जूम एट उश मस्कारा। देन मैं यूज करूंगी ये मेकअप रेवोल्यूशन ब्रॉन्जर जस्ट टू ब्रॉन्ज अप माई फेस ए लिटिल। इससे मेरा फेस थोड़ा सा कॉन्ट्रोल हो जाता है, नहीं तो मेरा फेस बहुत ही ज्यादा फ्लैट लगता है दिखने में। ये टोटली ऑप्शनल है बट मुझे पसंद है, सो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जअप जरूर करती हूँ अपने फेस को। सो मैं अपने चिक बोन्स, जॉ लाइन एंड फोरहेड को अच्छे से ब्रॉन्जअप कर रही हूँ। एंड फॉर माई ब्लश मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन क्रीमी सिनेमन। ये एकदम परफेक्ट कलर है फॉर एवरीडे यूज के लिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। रेगुलर पिंक चिक से काफी ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में, थोड़ा सा कलर देता है, सो आई जस्ट लव दिस ब्लश। देन जस्ट टू सेट माई मेकअप, मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सचर जरूर अप्लाई करती हूँ। इससे मेकअप ऑल डे लॉन्ग सेट रहता है मेरे फेस पे बहुत ही अच्छे से। एंड थोड़ा सा मैं लिपस्टिक ऐड कर रही हूँ डैबिंग मोशन में। एंड ये है शुगर कॉस्मेटिक्स इस से पाउ टाइम विविड लिपस्टिक मिनी इन शेड 08 ब्राउन टाउन एबे। And that's complete my everyday makeup routine. I really hope that you just found this video useful. So, see you soon. Bye. Take care, guys.